Good morning, dear students. In our previous class, we read up to para 3. Today, we will start with para 4. So, come and let's start the para 4 of the lesson. An American and Indian woman, Kalpana Chawla, in space. When asked what it was like being a woman in her field, she replied. जब कल्पना चावला से ये पूछा गया कि एक औरत होने के बावजूद है ना भी आप इस फील्ड में हैं तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया, क्या जवाब दिया. आई रियली नेवर एवर थॉट, है ना. उन्होंने कहा कि असल में सच में कहो को मैंने कभी भी आज तक ये सोचा ही नहीं. वाइल परसुइंग माई स्टडीज़, है ना, जब मैंने अपना अध्ययन कर रही थी इससे रिलेटेड और डूइंग एनीथिंग एल्स कुछ भी कर रही थी, है ना, तो मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं कि मैं एक औरत हूँ, है ना. दैट आई वॉज ए वुमन, कि मैं एक औरत हूँ और ए पर्सन, है ना, फ्रॉम ए स्मॉल सिटी, कि मैं एक छोटे से शहर से कस्बे से हूँ और ए डिफरेंट कंट्री और एक अलग, है ना, दूसरे देश से हूँ. आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स, और मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से, मैं एक बहुत ही लकी हूँ कि मेरे सपने क्या हैं, किस तरह से हैं, एनी वन एल्स, है ना, कि इस तरह से मेरे सपने हैं. एंड आई फॉलोड देम, और मैं उनके द्वारा फॉलो हो रही हूँ. एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और जो भी लोग मेरे आसपास थे, मेरे संपर्क में थे उस दौरान, फॉर्चुनेटली, है ना, लकीली, बहुत ही भाग्यवश कहा जाए तो, लकीली ऑलवेज इनकरेज्ड मी, उन्होंने मुझे हमेशा उत्साहित किया, प्रेरित किया. एंड सेड, क्या कहा उन्होंने, इफ़ दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन, कि यदि यही है कि आप जो कुछ भी आप चाहती हो वो करो, वो जारी रखो, ऐसा लोगों ने मुझे कहा. हियर यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन, ऐसा लोगों ने मुझे कहा. ठीक है, कम टू पैरा 5. Kalpana's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. अब देखिए यहाँ पे जो कोलंबिया से जो स्पेस में जो शटल भेजा गया था, है ना, उसके बारे में अब यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन हो रही है. क्या कहा जा रहा है, Kalpana's first space mission, है ना, कि कल्पना का जो पहला जो मिशन था स्पेस में, है ना, जो शटल भेजा गया था कोलंबिया से, वो 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट का चला. और इस दौरान, ड्यूरिंग दिस टाइम, शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स. और इस दौरान मीन्स 15 डेज एंड 16 आवर्स 34 मिनट्स उन्होंने क्या किया, वो घूमती रही, है ना, गोल चक्कर काटती रही, किसकी, पृथ्वी की, कितनी बार, 252 बार, ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स. और वो दूरी कितनी तय हुई थी उस 252 टाइम्स में, द डिस्टेंस वॉट कवर्ड बाई कल्पना चावला वॉज 10.45 मिलियन किलोमीटर्स. The crew included a Japanese and a Ukrainian astronaut. और वो जो crew था, यहाँ पर देखो बच्चों crew की मीनिंग क्या होगी, the group of the people, okay, crew. तो कहने का मतलब है कि वो जो उनका जो स्पेस में जो शटल गया था कोलंबिया से भेजा गया था, वो जो crew थी उसमें कैसे कैसे लोग थे, इंक्लूडेड ए जापानीज एंड ए यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट. एक जापानी था जापान कंट्री से, वन वाज फ्रॉम जापान एंड सेकंड वाज फ्रॉम यूक्रेन कंट्री, वो दोनों एस्ट्रोनॉट जापान और यूक्रेन से थे. द क्यू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस. द ग्रुप परफॉर्म्ड उन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट्स, दे परफॉर्म्ड सच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स सच एज, जैसे कि पॉलिनेटिंग प्लांट्स, कि वहाँ पे
पौधे कैसे उगते हैं स्पेस में, तो ऑब्जर्व ये देखने के लिए कि उन्होंने क्या निरीक्षण किया कि फूड ग्रोथ इन स्पेस, कि क्या कोई खाद्य सामग्री उग सकती है स्पेस में, अंतरिक्ष में। एंड टेस्ट, क्या टेस्ट किया, जांच के परीक्षण किया फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स उन्होंने बनाने की कोशिश की, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत मेटल्स की एंड फास्टर और भी तेज कंप्यूटर चिप्स की। ऑल फॉर किस लिए, मात्र इसलिए, ऑल फॉर ए प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। इसके लिए उन्होंने कितना खर्च किया था, $56 मिलियन उस समय खर्च हुआ था। कम टू पैरा 6। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, देयर वाज अ शॉक एंड डिसबिलीफ। जब शनिवार की रात यह न्यूज आई, यह खबर आई स्पेस से नासा में, अब कोलंबिया के बारे के डिजास्टर के बारे में जो हुआ था, देयर वाज अ शॉक, वहाँ पे एक शॉक था, लोगों को अचंभा हुआ, आश्चर्य हुआ, डिसबिलीफ और विश्वास नहीं हो रहा था, मतलब पीपल वाज नॉट एग्री टू परसुइंग दैट, तब ये मानने के लिए वहाँ लोग तैयार नहीं थे क्या उस घटना के बारे में, कि जो वो घटना, वो दुखद समाचार है ना, वो जो आई क्या थी। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट ए स्लीपलेस नाइट एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड्स स्टेड ग्लूड टू देयर टेलीविजन सेट्स इन द होप दैट कल्पना एंड द क्रू हैड सम हाउ सर्वाइव्ड, ए जर्नलिस्ट रोट। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट ए स्लीपलेस नाइट। टाउन ऑफ करनाल मीन्स हु बिलोंग टू करनाल, कल्पना चावला ना। सो कल्पना चावला जो है, जो करनाल शहर से, जो इंडिया से जो गई थी, उन्होंने एक स्लीपलेस नाइट वहाँ बिताई है ना, एक ऐसी रात जिसकी कभी इंड ना हो, ऐसी नींद। एंड थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड्स स्टेड ग्लूड टू देयर टेलीविज़न है ना, उन्होंने हज़ारों रातें, बहुत सी चीज़ें ऐसी उन्होंने टेलीविज़न पर, सेट्स पर ऐसी रात भर उन्होंने देखी, इन होप की, वह इस आशा में दैट कल्पना एंड द क्रू हैड सम हाउ सर्वाइव्ड। उन्होंने टीवी ऑन करके पूरी रात वो देखते रहे, इस आशा में केवल करनाल के लोग, काश कल्पना और उसका जो क्रू है किसी भी तरह से सर्वाइव्ड, बच जाए, जीवित मिले। और इस विषय में एक जर्नलिस्ट ने लिखा था, पत्रकार ने क्या लिखा था, सी वॉज ए हीरोइन, वह एक नायिका थी। इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, और ये उन्होंने क्या किया था, बहुत ही विशाल उनके अंदर एक योग्यता थी एक एस्ट्रोनॉट बनने की। यू नीड टू नो, आपको जानना चाहिए या आपको जानने की ये ज़रूरत है, ए लॉट अबाउट एवरी थिंग फ्रॉम बायोलॉजी ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जो जो बायोलॉजी होती है, जो लाइफ हिस्ट्री होती है, एस्ट्रोफिजिक्स होती है, जो उसके बारे में आपको बहुत चीज़ें ऐसे जानना चाहिए, एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, और इस उम्र के इस दौर में है ना, सुपर स्पेशलाइजेशन उन्होंने था उनके अंदर, यू मस्ट हैव एन साइक्लोपेडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट, आपको ये नॉलेज होना चाहिए ज़रूर। हर अचीवमेंट इज ऑल इंस्पायरिंग, उनका इनकी ये जो उपलब्धि थी कल्पना चावला की, वो अपने आप में एक इंस्पायरिंग, एक बहुत ही प्रेरणादायी थी लोगों के लिए, न सिर्फ इंडियन और अदर कंट्री के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए, पूरे जनजाति के लिए, मानव जाति के लिए। ठीक है, सो टुडे अप टू हियर, नेक्स्ट इन द अदर क्लास, ओके।